हफ्ते में 30 घंटे काम 45 लाख औसत कमाई। इन 10 देशों में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी। दोस्तों, दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जो अपने कर्मचारियों को लाखों रुपए तक का वेतन देते हैं। खास बात यह है कि कुछ देशों में तो लोगों के सप्ताह में काम करने का समय भी महज 30 घंटे ही है। अगर दिन के हिसाब से इस समय को सप्ताह में बांटे तो यह एक दिन में 5 घंटे से भी कम बैठता है। दोस्तों, दुनिया भर में लाखों की तादाद में लोग ज्यादा ज्यादा वेतन के लिए अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाते हैं। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां औसत वेतन लाखों रुपए में है। यहां हम आपको ऐसे 10 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां औसत कमाई लाखों के पार है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, लक्समबर्ग। दोस्तों, इस देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, रियल एस्टेट, आईटी और टेलीकम्युनिकेशन पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक इस देश में प्रति व्यक्ति औसत आय $62,636 है। भारतीय मुद्रा में इसका हिसाब लगाएं तो यह तकरीबन 45,41,141 रुपए बैठती है। यहाँ प्रति घंटा न्यूनतम मजदूरी $11.20 यानी करीब 812 रुपए है, जबकि सप्ताह में औसतन 30 घंटे काम करना पड़ता है। नंबर 2, अमेरिका। दोस्तों, जीडीपी रैंकिंग के मुताबिक अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ लोगों की औसत आय $60,154 यानी $43,59,059 रुपए है। प्रति घंटा न्यूनतम मजदूरी $7.25 यानी $525 रुपए है। सप्ताह में औसतन 34.4 घंटे काम करना पड़ता है। नंबर 3, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से स्विट्जरलैंड दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ लोगों की औसत आय $60,124 यानी $43,56,885 रुपए है। हालांकि यहाँ घंटे के हिसाब से कमाई तय नहीं है, मगर एक सप्ताह में औसतन 31 घंटे काम करना पड़ता है। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, जीडीपी के मामले में ऑस्ट्रेलिया का स्थान 13वां है। साल 2016 के आंकड़ों के मुताबिक इस देश की अर्थव्यवस्था $1.26 ट्रिलियन थी। यहाँ लोगों की औसत आय $52,063 यानी $37,72,745 रुपए है। यहाँ $10.9 यानी $789 रुपए प्रति घंटा न्यूनतम वेतन है, जबकि सप्ताह में औसत काम के घंटे 32 हैं। नंबर 5, आयरलैंड। दोस्तों, इस देश की जीडीपी में साल 2015 में 26% का उछाल आया, मगर अगले ही साल 5.13% तक लुढ़क गई। यहाँ लोगों की औसत आय $51,618 यानी $37,40,498 रुपए है। यहाँ औसतन $10.9 यानी $789 रुपए प्रति घंटा न्यूनतम वेतन है, जबकि सप्ताह में औसतन 39 घंटे काम करना पड़ता है। नंबर 6, कनाडा। दोस्तों, साल 2008 आर्थिक संकट और बेरोजगारी के बाद भी इस मुल्क ने रिकॉर्ड रोजगार पैदा किए। आज यहाँ लोगों की औसत आय $48,403 यानी $35,07,523 रुपए है। यहाँ $11.15 यानी $807 रुपए प्रति घंटा न्यूनतम मजदूरी है, जबकि सप्ताह में औसतन 40 घंटे काम करना पड़ता है। नंबर 7, जर्मनी। दोस्तों, जीडीपी के मामले में जर्मनी से आगे सिर्फ अमेरिका, चीन और जापान की है। यहाँ लोगों की औसत आय $46,389 यानी $33,59,723 रुपए है। $11.61 यानी $840 रुपए प्रति घंटा औसत वेतन है, जबकि सप्ताह में काम करने के औसत घंटों की संख्या 28 है। नंबर 8, फ्रांस। दोस्तों, इस मुल्क में सबसे ज्यादा लोग सर्विस सेक्टर में कार्यरत हैं। इसके अलावा फ्रांस टूरिस्ट सेक्टर में भी खासा लोकप्रिय है। अर्थव्यवस्था में इस सेक्टर का खासा योगदान है। आज यहां लोगों की औसत आय $42,992 यानी $31,13,695 रुपए है। यहां औसतन $11.57 यानी $837 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से वेतन मिलता है। लोग हफ्ते में औसतन 39 घंटे काम करते हैं। नंबर 9, ब्रिटेन। दोस्तों, 2017 में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल है। यहाँ लोगों की औसत आय $42,835 यानी $3,102,324 रुपए है। यहाँ $9.85 यानी $713 रुपए प्रति घंटा औसत मजदूरी मिलती है, जबकि सप्ताह में काम करने के घंटों की संख्या औसतन 42.3 है। नंबर 10, नॉर्वे। दोस्तों, नॉर्वे की पहचान इसके प्राकृतिक नजारों और साफ शहरों के लिए होती है। नॉर्वे भी दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां लोगों को सबसे ज्यादा वेतन दिया जाता है। यहां पर औसतन सालाना सैलरी $51,000 जो कि करीब 37 लाख रुपए है। इसके अलावा नॉर्वे में तेल भी प्रचुर मात्रा में मौजूद है, इस वजह से देश की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।